Hey guys, good morning. Welcome to my another new vlog. So, इस vlog में मैं दिखाने वाली हूँ मेरा daily routine. तो सबसे पहले morning start होता है मेरा गर्म पानी से. तो मैं पहले गर्म पानी करती हूँ, उसके बाद एक बड़ा सा glass में भर के गर्म पानी पीती हूँ. तो पानी काफ़ी गर्म है तो इसको मैं बाद में पीऊँगी. उससे पहले मैं लाइट ऑन करके अपने बालों को अच्छे से कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं जाऊँगी वर्कआउट करने. और बालों को कंघी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात भर उलझे रहते हैं. इसको सुलझा के अच्छा सा एक चोटी बना लूँगी मैं. तो हेयर स्टाइल काफ़ी सिंपल सा था. उसके बाद मैं वर्कआउट के लिए रेडी हुई और पानी काफ़ी ठंडा हो गया था तो मैं पी ले रही हूँ. और जब मैं छत पहुँची वर्कआउट करने के लिए, तब देखी कि आज का वेदर काफ़ी ज़्यादा सुंदर है. तो मैं कुछ देर देखती रह गई क्योंकि आसमान काफ़ी सुंदर लग रहा था. उसके बाद थोड़ा बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइज किए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, टेंशन फ्री हो जाते हैं. उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी कर लिए. एंड स्ट्रेचिंग करने के बाद मैं थोड़ा सा कार्डियो की, क्योंकि बहुत दिन से कार्डियो एक्सरसाइज नहीं कर रही थी. और वर्कआउट काफ़ी अच्छा हुआ था, मैं पूरा थक गई थी. उसके बाद मैं चली गई खाना बनाने, और उसके साथ साथ मुझे अपना टिफ़िन भी बनाना था, तो ब्रेकफास्ट भी बनाना था, बहुत कुछ काम था. तो चावल चढ़ा के मैं चली गई थी बेड वगैरह बनाने, क्योंकि बेड भी समेटना था. और आज मैं चावल बना रही थी, उसके साथ साथ मैं ब्रेकफास्ट भी बना रही थी दोपहर का भी और सुबह का भी. उसके साथ मुझे टिफ़िन भी लेके जाना था, बहुत सारा काम था. तो बेड को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैं चली गई मेरी दीदी के साथ कड़ी पत्ता लाने, क्योंकि आज मैं बना रही थी कड़ी चावल. तो कड़ी पत्ता बहुत ज़रूरी है. मैं पास वाली आंटी के घर से लेके आई थी, मतलब उसके बगीचे से. दो तीन बार बुलाया लेकिन नहीं सुनी, तो मैं सोची छोड़ो क्या बुलाना, तोड़ के लेके जाते हैं. और लेके जाते जाते ये फंस गया था मेरा टी शर्ट पे. और उसके बाद मैं लेके आई फाइनली कड़ी. तो मैं ये दही लेके आई थी, दही के साथ बेसन मिक्स करके फटाफट मैं बना रही हूँ. रेसिपी मैं पहले दे चुकी थी, तो आप लोग बस देखो और इन्जॉय करो. और जब भी मैं कड़ी बनाती हूँ तब मुझे लगता है कि ये फट जाएगा, बट इस तरह से मिक्स करके बनाने से कभी कड़ी फटता नहीं है. तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी पकोड़े, क्योंकि कड़ी में पकोड़े नहीं रहते तो मुझे पसंद नहीं है. पकोड़े के साथ कड़ी खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. तो मैं यहाँ पे बेसन के पकोड़े बना रही थी, और ये पकोड़े थोड़े से अलग बनते हैं. दही और प्याज वगैरह डाल के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है. और उसके बाद मैं फाइनली कड़ी बना रही थी. और इसका एक की टिप्स है कि आपको इसमें चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बने और ये फटे ना, तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है. और मेरा कड़ी बन चुका है, चावल भी बन चुका है. अब मैं अपना रूम को क्लीनिंग कर रही हूँ. और आज छोटी नहीं थी, चली गई थी वो घर, तो मुझे करना पड़ रहा है. अदरवाइज़ सुबह का काम छोटी कर लेती है. आज मैं और दीदी थे, तो दीदी चली गई थी ट्यूशन, तो मुझे सब काम करना पड़ रहा था. तो फटाफट मैं काम कर रही थी, झाड़ू पोछा करना था, ऊपर से मुझे नहाना भी था, बहुत सारा काम था. मैं जल्दी जल्दी निकालने का कोशिश कर रही हूँ. और झाड़ू तो हो चुका है, अब बारी है पोछा लगाने का. और मेरे पास बस 40 मिनट है, पोछा भी करना है, मुझे नहाना भी है, उसके साथ साथ मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है, बहुत सारा काम है. और मुझे रेडी भी होना है अपना ऑफिस जाने के लिए. और सारा घर का काम हो चुका है, और देख रहे हो मेरा हालत कैसा है. फिर भी स्माइल करना नहीं छोड़ रही हूँ. फिर मैं गई फटाफट ब्रश करने, और उसके बाद मैं कर रही हूँ फेस वॉश. और आप हालत देख सकते हो कितनी ज़्यादा मैं थक गई थी, फिर भी मुझे जल्दी करना पड़ रहा था क्योंकि टाइम बहुत कम है. और उसके बाद मैं चली गई नहाने.
और नहाने के बाद आके मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना ऑफिस का बैग भी रेडी करना था और मुझे टिफ़िन भी पैक करना था और साथ साथ मुझे अपना स्किन केयर भी करना था। बहुत सारा काम पड़ा हुआ था और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरा एप्रॉन, उसको मैं कभी नहीं भूलती हूँ क्योंकि इसके बिना मुझे तो एंट्री नहीं मिलेगी। उसके बाद मैं अपना टिफ़िन पैक की, टिफ़िन में था कढ़ी और चावल और ये था मेरा ब्रेकफास्ट पपाया। और अभी मैं पपाया लेके रखी हूँ, तो जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं दूसरा नहीं खा पाती क्योंकि ये फिर ख़राब हो जाएगा। और अभी ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं था तो मैं एक डिब्बा में लेके जा रही हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा टिफ़िन नहीं था इसीलिए। तो आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास कि अच्छा से बैठ के अपना स्किन केयर करूँ, तो बस सिंपल से एक मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ क्योंकि अभी 9 बज चुका है और मेरा 9:30 बजे से ड्यूटी है। मैं फटाफट एक पोनी बना ले रही हूँ सिंपल सा, और आप देख सकते हो कितना सिंपल मैं आज जा रही हूँ। एंड मैं जाने से पहले अपना रूम का लाइट चेक करती हूँ कि रूम में सब लाइट ऑफ है या फिर नहीं। उसके बाद मैं चले गई ऑटो पे बैठ के अपना ऑफिस और एकदम टाइम पे पहुँची हूँ 9:30 पे। और पहुँचते साथ मैं सबसे पहले बैग वगैरह रखने के बाद खाने चली जाती हूँ क्योंकि मैं टिफ़िन नहीं की हूँ। एंड अभी तक तो कोई आया नहीं था तो मैं आराम से बैठ कर के अपना फ्रूट इंजॉय कर रही थी और फ़ोन चला रही थी। और उसके बाद मेरा ड्यूटी पड़ा था आज मेडिसिन रूम में, तो मैं आज डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी मेडिसिन। और मेरा यही काम रहता है, फार्मासिस्ट का बेसिकली यही काम रहता है। उसके बाद मैं अपना टिफ़िन कर रही थी और टिफ़िन में था कढ़ी चावल जैसे कि आप सुबह देखे थे। उसके साथ मैं ये क्यूकम्बर लेके आई थी तो उसको खाई। और हम लोग साथ में बैठ कर अपना लंच करते हैं और बहुत सारा बातें वगैरह करते हैं, सब अपना अपना लंच शेयर करते हैं। उसके बाद मैं शाम को घर आई और घर आने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी तो मैं थोड़ा सा रेस्ट की। उसके बाद फेस वगैरह वॉश करने के बाद हम लोग जा रहे थे जूबली पार्क थोड़ा सा रेस्ट करने और वेदर को इंजॉय करने, क्योंकि आज का वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो मैं ली झालमुड़ी और हम लोग चलते चलते चले गए और देख रहे हो कितना सुंदर वेदर है आज। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ऐसे वेदर रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो हम लोग पहुँचे पार्क और ये देखो व्यू कितना ज़्यादा सुंदर है। और पार्क में घूमते घूमते हमें दिखा कुछ स्नैक्स तो हम लोग ले लिए और मुझे चाय दिखा और चाय ना लूँ ऐसे हो नहीं सकता, तो मैं ये ली लेमन टी और स्नैक्स के साथ बैठ बैठ के आराम से पी रही थी चाय और व्यू एंजॉय कर रही थी। आप देख रहे हो ये पिंक वाला फूल कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग चले गए वापस घर और उससे पहले खाए ये कॉर्नेटो। और उसके बाद दीदी को मन हुआ कि उसको मोमोज खाना है तो हम लोग लिए ग्रेवी मोमोज, और दीदी को स्पाइसी स्पाइसी खाना पसंद है तो वो खा पाई। मैं तो एक ही बाइट ली और मुझसे नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। और रात में हम लोग चार जन नीचे सो रहे थे क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई थी।